हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज हम आए हैं दुनिया की सबसे बड़ी फ्रेम देखने, वर्ल्ड की लार्जेस्ट फ्रेम, द दुबई फ्रेम। दुबई फ्रेम आने के लिए आपको मेट्रो से मैक्स स्टेशन उतरना है और ये जबिल पार्क एरिया है। आपको गेट नंबर 4 से दुबई फ्रेम के लिए एंट्री मिल जाएगी, जो कि 10 मिनट्स के वॉकिंग डिस्टेंस पे है। दुबई फ्रेम में एंट्री लेने के लिए अब हम क्यू में खड़े हैं और आप देख सकते हैं कितनी बड़ी फ्रेम है ये, और इसकी वजह से इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है सबसे लार्जेस्ट फ्रेम के नाम से, जिसकी हाइट 150 मीटर है और विड्थ 93 मीटर, और ये 1 जनवरी 2018 में ओपन हुआ था। यहाँ पे आपको प्रोफेशनल फोटोग्राफर मिल जाएंगे जिनसे आप फोटो खींच सकते हैं और एग्जिट के टाइम पे आप उसे कलेक्ट कर सकते हैं। और अब चलते हैं दुबई फ्रेम के अंदर। और सबसे पहले ये जो एंट्री है वो मुझे बहुत अच्छी लगी। इस दुबई फ्रेम बनाने के पीछे जो सोच है उसे मानना पड़ेगा। उसमें आपको पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट तीनों देखने के लिए मिल जाएंगे। आइए बताती हूँ कैसे। सबसे पहले आपको प्रोजेक्टर पे पुरानी दुबई दिखाई जाएगी, दुबई की हिस्ट्री के बारे में बताया जाएगा। ये फर्स्ट फोटो है दुबई फ्रेम की। यहाँ पे ओल्ड दुबई इतनी खूबसूरती से उन्होंने दिखाया हुआ है कि जैसे लगेगा कि ये सब रियल है। मेरे सामने जो लेडी है वो रियल में कुछ काम कर रही है। अब लिफ्ट से सबसे ऊपर 150 मीटर हाइट पे पहुंचते हैं, जो लगभग 48 फ्लोर जितना ऊपर हो सकता है। जहां पर पहुंचने के बाद ये स्काई डेक है जो फ्रेम के दोनों पिलरों को जोड़ता है, और इसका सबसे खास फीचर है ये ग्लास का फ्लोर, जहां पे आप 150 मीटर ऊपर ग्लास पे चलने का मजा ले सकते हैं। मुझे तो इतनी हाइट से नीचे देख कर डर लग रहा था। खाली था बग, अरे मुझे चक्कर आने लग गया। दुबई का ये ब्रिज वाला हिस्सा आपको प्रेजेंट फोटो दिखाता है। इस दुबई फ्रेम में आपको एक तरफ पुरानी दुबई देखने के लिए मिल जाएगी, तो दूसरी तरफ नई दुबई। और उसके बाद लिफ्ट से नीचे आने पर एक हॉल में स्क्रीन पे आपको दुबई का फ्यूचर दिखाया जाता है, जहां पर आपको दिखाया जाएगा कि आने वाले टाइम में दुबई कैसी होगी। और ये तीसरा और लास्ट हिस्सा है जिसमें दुबई का फ्यूचर इस फ्रेम में दिखता है। और लास्ट में एग्जिट के टाइम पे आप यहाँ से शॉपिंग कर सकते हैं और आपने जो फोटोज वगैरह क्लिक किए वो भी बाय कर सकते हैं। अब हो रही है हमारी एग्जिट, और लास्ट बार आपको दुबई फ्रेम दिखा देते हैं। और ये जो ग्लास है ना ऊपर,
वहीं पे हम लोग खड़े थे। और फिर मिले हमें एवी और एडी, जिनको आपने हमारी डेजर्ट सफारी वाली वीडियो में देखा होगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक दे दूंगी, आप वो भी वीडियो जाके जरूर देखिए। एवी ने स्वराधु के लिए कुछ खाने पीने की चीजें लाई थी जो वो हमें दे रही थी। दुबई फ्रेम हमारी हो चुकी है और अब हम जा रहे हैं मिरेकल गार्डन। मिरेकल गार्डन दुनिया का सबसे खूबसूरत और सबसे बड़ा गार्डन, जिसकी ओपनिंग हुई थी 14 फेब 2013 में, यानी के वैलेंटाइन डे पे। इसकी टिकट है अडल्ट्स की 95 और बच्चों की 76। इनकी टिकट्स पे स्ट्रिक्टली नो स्मोकिंग इनसाइड द गार्डन लिखा हुआ है, आप गार्डन में स्मोकिंग नहीं कर सकते। और इसकी खूबसूरती देखिए, ऐसा लग रहा है किसी जादुई नगरी में आ गए हैं। इस गार्डन का टाइमिंग सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक का है, लेकिन वीकेंड्स में ये गार्डन 9 बजे से रात 11 बजे तक ओपन रहता है। यहाँ पर आने के लिए आपको मेट्रो से मॉल ऑफ द इमीरेट्स आना है और वहाँ से आपको टैक्सी या बस मिल जाएगी। हम टैक्सी से आए थे और उसके कुछ 50 दिराम हुए थे। और ये जो सारे फ्लावर्स आप देख रहे हैं ये रियल है, कोई भी आर्टिफिशियल फ्लावर यहाँ पे नहीं है और बहुत खूबसूरत लगता है ये गार्डन देखने के लिए। यहाँ पर बाहर का फूड अलाउड नहीं है और अंदर आपको काफ़ी सारे कैफेटेरिया और खाने पीने के स्टॉल मिल जाएंगे। इस मिरेकल गार्डन ने अपनी खूबसूरती के लिए 3 बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है। सबसे पहला 2013 में जब ये ओपन हुआ था तो सबसे बड़े वर्टिकल गार्डन का। सेकेंड 2016, ये जो आपको सामने प्लेन दिखाई दे रहा है ये रियल साइज का प्लेन बनाया गया है, इमीरेट्स A380 एयरबस, जिसे लार्जेस्ट फ्लावर इंस्टॉलेशन का खिताब मिला था। इसमें 5 लाख से भी ज़्यादा फ्लावर्स और प्लांट्स का इस्तेमाल किया है, जो कि दिखने में बिल्कुल रियल प्लेन जैसा दिखता है। थर्ड 2018 में जब यहाँ पर डिज्नीलैंड की थीम बनाई गई थी तो सबसे ऊंची मिकी माउस की टोपरी का डिस्प्ले किया था उसके लिए। इस गार्डन का टोटल एरिया 72,000 स्क्वायर मीटर का है, जिसमें 150 मिलियन से भी ज़्यादा फ्लावर और 250 मिलियन से भी ज़्यादा प्लांट्स हैं। ये गार्डन इतना बड़ा है कि आपको यहाँ घूमने के लिए 2 से 3 घंटे लग जाएंगे। ये गार्डन विंटर्स में ओपन होता है और गर्मियों में ये गार्डन बंद होता है। अत्तू सारा एलिफेंट, बिग एलिफेंट। यहाँ पे आपको फ्लोरल फ्लॉक, कैसल, एलिफेंट, हॉर्स, डांसिंग लेडी देखने के लिए मिल जाएगी, जो कि एक यूनिक एक्सपीरियंस होगा आपके लिए। इतना ही नहीं तो हर सीजन में आपको पहले से फ्रेश और एक्साइटिंग थीम देखने के लिए मिल जाएगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।